हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सौरभ, टेक में टेक्निकली। सो अगर आप रेडमी 4 का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे तो इन्फोसिस ने अपना फोन एक लॉन्च किया है जिसका नाम है इन्फोसिस टर्बो 5। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन काफी हद तक कहूँ तो इसके स्पेसिफिकेशन रेडमी 4 से मिलते हैं, तो आपको बता देता हूँ मैं इसके स्पेसिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलता है इसमें 7.0 एंड्रॉइड नूगट, और इसमें जो डिस्प्ले है वो आपको मिलता है 5.2 का HD IPS डिस्प्ले 2.5D NEG कर्व के साथ। और इसका जो प्रोसेसर है वो कुछ मामलों में Redmi 4 से मुझे कम लग रहा है, क्योंकि इसमें 1.3 GHz क्वाड कोर MediaTek का प्रोसेसर है 64-bit का, और GPU जो है वो Mali का है। आपको Redmi 4 में Snapdragon का मिलता है। और रही बात इसकी रैम की, आपको दो वेरिएशन में मिलेगा, 2GB की रैम और 3GB की रैम, जिसमें आपको 2GB रैम वाला जो फोन है वो आपको मिलेगा 6999 तक का। और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो आपको ये उसी के साथ 2GB रैम के साथ आपको 16GB मिलेगी, और 3GB रैम के साथ आपको 32GB, और आप चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं मेमोरी कार्ड लगा के 32GB तक। और इसका जो कैमरा है वो 13 MP ऑटो फोकस है, LED इसमें मिलेगा आपको, और जो एपर्चर साइज है वो f/2.2 है। और अब इसमें अब फ्रंट कैमरे की बात करते हैं। फ्रंट कैमरा जो है 5 MP है f/2.2 एपर्चर के साथ। Redmi 4 में मुझे लगता है f/2.2 है मेन कैमरे का, तो कुछ मामलों में कैमरे में Redmi 4 ज्यादा बेटर है। पर हाँ, अब बात करते हैं इसकी सबसे मेन फीचर्स की। इसका जो सबसे मेन फीचर है वो है 5000 mAh की बैटरी, यानी आपको बहुत बड़ी साइज की बैटरी मिल रही है। इसमें आपको काफी लंबा बैकअप मिलेगा। कंपनी का कहना है कि 23 घंटे आप इसमें वीडियो देख सकते हैं एक बार फुल चार्ज करने के बाद। और इसका जो वेट है 163 ग्राम है, और ये आपको मोबाइल एक्सक्लूसिवली मिलेगा अमेजोन पर आने वाली 4 तारीख को, जो 2 वेरिएशन में मिलेगा आपको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कीजिए। पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।